इसी के साथ समय हो गया है मध्य प्रदेश की खास खबर का, चलिए देखते हैं इस खबर को। मध्य प्रदेश में सीए के समर्थन में जगह जगह आयोजन हो रहे हैं और इसी क्रम में मध्य प्रदेश के खातेगांव विधानसभा में भी हजारों की संख्या में लोग जुटे और सीए का समर्थन किया। मध्य प्रदेश जिला देवास सीए के समर्थन में क्लब ग्राउंड में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होकर रैली निकालते हुए नजर आए। देशभक्ति गीतों पर लोग चल रहे थे, रैली निकल रही थी, पूरा माहौल देशभक्ति में लिप्त था। आपको बता दें महिलाओं के हाथों में स्लोगन लिखी हुई तख्ती थी, तिरंगा झंडा लेकर चल रहे थे, साथ साथ वंदे मातरम भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। रैली में फौजी वर्दी में पहनकर एक नन्हा सा बालक भी आया था जो कि हाथ में तिरंगा लेकर सीए के समर्थन में नारे लगा रहा था। साथ साथ वंदे मातरम और भारत माता जय के नारे लगाए जा रहे थे। रैली में सीए के समर्थन में जुटा था ये जनसैलाब। किस लिए प्रदर्शन कर रहे हो और किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हो आज? मोदी सरकार ने जो सीए कानून पास किया है उसके समर्थन में आज जिला मुख्यालय पर पूरे देवास जिले से खातेगांव विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में नागरिकगण आम कार्यकर्ता लोग आए हैं। हम सब इस रैली के माध्यम से ये समर्थन व्यक्त करना चाहते हैं कि मोदी जी आपने जो तीनों देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक भाइयों को भारत में शरण लेकर नागरिकता देने का जो मार्ग इस कानून को बनाकर प्रशस्त किया है, इस कानून को बनाने में पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आप राष्ट्रहित में और जो फैसले आवश्यक हो आने वाले समय में ले, देश की जनता आपके साथ पूरे तन्मयता के साथ खड़ी है। ये बताइए खातेगांव से कितनी जनता आई आपके साथ? हजारों की संख्या में लोग आए हैं और रैली जब ये पूरे देवास में निकलेगी तब आपको लग जाएगा कि कितना बड़ा स्वरूप देवास जिले से इस रैली का बना है। ठीक है।